सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में घटनाएं घट रही है सारे देश में, इससे मैं इस निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस के विघटन की अध्यक्षता कर रही है सारे देश में। इस विघटन की प्रक्रिया में उनके दो और साथी हैं, एक श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी। ये कांग्रेस को समेटने में लगे हुए हैं। वैसे तो ये जब G23 ग्रुप ऑफ 23 पीपल प्रोमिनेंट पीपल ऑफ कांग्रेस पार्टी दे हैड फॉर्म्ड ए ग्रुप एंड रिक्वेस्टेड मिसेस सोनिया गांधी दैट चेंज इन लीडरशिप ऑन नेशनल लेवल शुड बी देयर। उन्होंने जैसे ये मांग की कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए देश में, सोनिया गांधी ठीक से चला नहीं सक रही है, राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये G23 के लोगों ने कहा। और G23 में लोग कौन है? कपिल सिब्बल जैसे लोग, पी चिदम्बरम जैसे लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग, आजाद जैसे लोग, अश्विनी शर्मा जैसे लोग, जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है, जो जमीन से जुड़े लोग। इन्होंने कहा सोनिया जी आपके बस का नहीं है, चेंज करिए नेतृत्व को। जब उसमें चेंज नहीं हुआ तो उसके पश्चात आज कांग्रेस से एक एक आदमी निकल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के बहुत बड़े जो जुरिस्ट हैं, न्यायविद हैं, श्रीमान कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने बहुत से कांग्रेस के लोगों को जेल जाने से बचाया है। मैं कह सकता हूं ये बात, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसके पश्चात आजाद, वो कांग्रेस छोड़ के आ गए। वो केवल कांग्रेस छोड़ के आते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ते हुए कहा क्या? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, पार्टी में निर्णय कौन कर रहा है हमको पता ही नहीं है। राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड वो आज कांग्रेस पार्टी का निर्णय करते हैं। ये बहुत चिंता का कारण है। ये मैंने नहीं कहा, ये गुलाम नबी आजाद ने अपनी रेजिग्नेशन में कहा। सर आनंद शर्मा ने ये भी कहा कि इंटरनल मामला है संख्या, लेकिन इसको G23 किसने नाम दिया? इसको मीडिया ने नाम दिया G23 के साथ 23 लोग इकट्ठे बैठे, रेगुलरली यू आर सिटिंग टुगेदर, यू आर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी टू रेज सम इश्यूज इन द कांग्रेस पार्टी। वी आर नॉट बीइंग हर्ड, वी आर 23 पीपल हु हैव बेस इन द कंट्री इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इन आवर एरियाज, बट वी आर नॉट बीइंग हर्ड। इट वाज देयर कंप्लेंट। वो कह रहे कि इंटरनल डेमोक्रेसी उनके पास राइट रहे, उन्हीं के पास रहे, अपना राइट वो अपने पास ही रखें। लेकिन कल ही आनंद शर्मा ने शिमला में कहा है कि बहुत जल्द आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, चीजें अच्छी नहीं है, मतभेद है। सीधा हमने सोनिया गांधी को कहा है, आनंद शर्मा ने कहा है। नितिन गडकरी पर क्या कहेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड से? पार्टी के बहुत सम्माननीय नेता है, परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, सारे देश में उनका सम्मान है। जितना सम्मान पार्टी के लोग करते हैं उतना ही सम्मान उनका भी, जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं और आम जन भारत का है वो उनका मान करता है। सर आनंद शर्मा आएंगे भाजपा हर अच्छे आदमी का स्वागत करती है। आनंद शर्मा को सर आप अच्छा आदमी तो अच्छे ही है, यानी स्वागत होगा। भाजपा में कोई भी अच्छा आदमी आएगा तो ही इज वेलकम। हम नेशनल बिल्डिंग के काम में जो हमारे साथ आना चाहता है उसका बहुत स्वागत है।